21 सॉलिड स्टेट पर हैं। सॉलिड स्टेट में अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो सॉलिड स्टेट के जो कंटेंट्स थे, कंटेंट्स में द फर्स्ट 10 टॉपिक्स पढ़ना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फर्स्ट टॉपिक वॉज क्वेश्चंस, तो वी आर इन दिस फर्स्ट टॉपिक। ओके, क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में हमने डिफरेंट केसेस पढ़ना स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चंस का फर्स्ट केस वन हम पढ़ चुके हैं। केस वन वाज डिफरेंट पोजीशन ऑफ एटम्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, वो पढ़ चुके हैं। केस टू वाज डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, वो भी पढ़ चुके हैं। नाउ अब हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। मीन्स व्हाट, सपोज ये यूनिट सेल है, सपोज ये यूनिट सेल, दिस इज अ यूनिट सेल है। अभी सिर्फ सुनना, लिखना मत, पहले सुन लो, पहले समझ लो इसको। ये एक यूनिट सेल है, ओके, और ये यूनिट सेल है एस सी, सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस है, तो ये यूनिट सेल इट्स इन अ क्यूबिक फॉर्म, एक ऐसा फॉर्म है क्यूबिक फॉर्म है। तो यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज एज लेंथ, कितना होगा ए, ये डिस्टेंस भी ए, ये डिस्टेंस भी ए, ये डिस्टेंस भी ए, सारा डिस्टेंस क्या होगा इक्वल। अब यहाँ पे एटम प्लेस किया हुआ है और यहाँ पे भी एटम प्लेस किया हुआ है, ऐसे फिर से बना दे रहा हूँ, ये हमारा यूनिट सेल है, दिस इज आवर यूनिट सेल, ओके, ये हमारा यूनिट सेल है। यहाँ पे ये पोर्शन, यहाँ पे ये पोर्शन, यहाँ पे ये पोर्शन, ये पोर्शन, दिस हैज अ लेंथ कितना ए। तो अब एटम्स प्लेस्ड हैं, एटम्स जो प्लेस्ड होंगे यहाँ पे हमें पता है सिंपल क्यूबिक, इन द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक एटम्स आर ओनली प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। तो ये हमारा ऐसे एटम्स प्लेस्ड है, तो ये एटम का रेडियस ऐसा कुछ रेडियस होगा आर, ओके, फिर यहाँ पे यहाँ पे ऐसा एटम प्लेस्ड है, तो इट विल हैव सम रेडियस, लेट इट बी आर, तो ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ये एज लेंथ कितना हो गया ए, तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया 2r, तो r इक्वल्स टू कितना हो गया a by 2, तो व्हाट इज r, r इज द रेडियस, रेडियस ऑफ द एटम, r इज व्हाट, r इज द रेडियस ऑफ द एटम। सपोज दिस इज द एटम, अगर ये एटम यहाँ प्लेस्ड है और ये एटम ऐसे यहाँ प्लेस्ड है, तो दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है इन द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक, ओके, और ये क्यूब है, तो क्यूब के एज लेंथ कितना है a, तो इन द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक a इक्वल्स टू कितना आ गया 2r, r इक्वल्स टू a/2। बट ये सिर्फ सिंपल क्यूबिक के लिए, बीसीसी के लिए अलग होगा, एफसीसी के लिए रिलेशन अलग होगा, एचसीपी के लिए रिलेशन में भी अलग हो सकता है, तो उसी को हमें अभी चेक करना है। तो केस थ्री इज दैट हम बढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ, सॉरी रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ द एटम एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, वेयर हम स्मॉल आर विल बी इंडिकेट, स्मॉल आर जो होगा रेडियस ऑफ द एटम होगा एंड ए विल बी द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल होगा, ओके। तो जस्ट इसको अच्छे से पढ़ेंगे, भी लिखना मत, सुनो केस थ्री, गिव अ हेडिंग केस थ्री, क्वेश्चंस का केस थ्री। केस थ्री रिलेशन यार जस्ट राइट डाउन, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ द एटम, ओके, फिर से बोल रहा हूं, ए रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल and radius of the atom, okay, so a will be the age length of unit cell, we will consider a consider karenge for the age length of the unit cell, and a small r jo hoga, a small r represents the radius of atom, a small r jo represent karega, that will represent the radius of the एटम। तो फर्स्ट जो हमें पढ़ना है, फर्स्ट सिंपल क्यूबिक, फॉर एचसी यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इन द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमें पता है एटम्स आर ओनली प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, तो ये हमारा है यूनिट सेल, ओके, एंड दिस एज लेंथ, ये हमारा एज लेंथ पता है, तो ये एज लेंथ कितना ए होगा, तो यहां से ये इन द केस ऑफ सिंपल क्यूबिक ये हमारा ये दोनों एटम द कॉर्नर्स पे जो एटम्स है, द कॉर्नर्स एटम्स टचेस ईच अदर, दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, तो दिस होल डिस्टेंस इज ए, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है ये आर है, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है आर, तो आर प्लस आर, ये आर, सपोज ये हमारा पॉइंट, अगर इसको पॉइंट ए मान लेते हैं एंड लेट इट बी पॉइंट व्हाट बी, तो ये ए बी इक्वल्स टू कितना है A, in terms of A,
ए हो गया एंड इन टर्म्स ऑफ आर इट विल बी टू आर. तो ए बी, ए बी इक्वल्स टू ए, ए बी इक्वल्स टू टू आर. लेट इट बी क्वेश्चन वन, लेट इट बी क्वेश्चन टू. दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो ए इक्वल्स टू टू आर मीन्स वॉट, आर इक्वल्स टू ए बाई टू. तो वॉट इज द रेडियस फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? तो फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल रेडियस इज इक्वल्स टू, रेडियस ऑफ द एटम इज इक्वल्स टू, रेडियस ऑफ द एटम इक्वल्स टू ए बाई टू, रेडियस ऑफ द एटम इक्वल्स टू ए बाई टू फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. ओके, इसको अच्छे से नोट करेंगे. फॉर सिंपल क्यूबिक हमें पता है एटम्स आर प्लेस्ड ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब. तो ये जो कॉर्नर्स पे एटम होगा और ये जो कॉर्नर्स पे एटम होगा ये एक दूसरे को टच करता है, हम ये साइड ले सकते हैं, ये साइड ले सकते हैं, कोई भी साइड लो, इन ऑल साइड्स द कॉर्नर्स एटम्स टचेस ईच अदर. तो ये पोर्शन हाफ ऑफ द एटम, ये पोर्शन हाफ ऑफ द एटम हो, तो ये आर, ये प्लस आर, ये होल डिस्टेंस कितना है ए. तो आर प्लस आर मतलब मीन्स वॉट, टू आर इक्वल्स टू ए, आर इक्वल्स टू वॉट ए बाई टू. दिस इज द रिलेशन ऑफ रेडियस एंड एज लेंथ ऑफ द क्यूब फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. ओके, तो दिस इज द फर्स्ट. अभी सेकेंड जो पढ़ेंगे बीसीसी और एफसीसी को अलग से पढ़ेंगे. ओके, सेकेंड जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एचसीपी के लिए. सेकेंड जो है एचसीपी, एचसीपी हमें पता है एचसीपी इज अ हेक्सागोनल, एक ऊपर में हेक्सागन बनेगा यहां और एक हेक्सागन यहां पे बनेगा, ऐसे कनेक्ट करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर दिए, एंड दिस पॉइंट विल कनेक्टेड टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट विल बी कनेक्टेड टू दिस पॉइंट. इसमें भी हमें पता है रेडियस आर सॉरी एटम्स आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स, 1/6 होता है, एट द फेस सेंटर 1/2, एंड एट द इन सेंटर टू अपोजिट साइड्स के बीच में एटम्स होता है. तो यहाँ पे तीन एटम्स होता था, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं. लेकिन हमें भी रेडियस निकालना है. दिस लेंथ, ये जो लेंथ होगा, दिस लेंथ इज ए, ये एज लेंथ है ए, ये ए, ये भी पोर्शन, ये पोर्शन, दोनों पोर्शन क्या होगा, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन आर व्हाट, इक्वल, ये दोनों इक्वल होगा. तो दिस लेंथ इज ए. तो अभी देखेंगे यहाँ पे भी हमारा एटम होता है, इस केस में भी क्या होता है, ये एटम एंड दिस एटम, दिस टू एटम्स टचेस ईच अदर, ये एक दूसरे को टच करता है. तो दिस डिस्टेंस इज ए एंड ये पोर्शन हमारा हो जाएगा आर, और ये पोर्शन क्या हो गया आर. तो ए इक्वल्स टू कितना हो गया, टू आर, ए इक्वल्स टू टू आर मीन्स व्हाट, आर इक्वल्स टू ए बाय टू. तो फॉर सिंपल क्यूबिक एंड फॉर एचसीपी रेडियस का रिलेशन सेम होता है. फॉर सिंपल क्यूबिक भी रेडियस इक्वल्स टू ए बाय टू एंड फॉर एचसीपी ऑल्सो रेडियस इक्वल्स टू ए बाय टू. तो इन दोनों का रेडियस का रिलेशन सेम होता है, लेकिन बीसीसी एंड एफसीसी का is different from both of them. Okay, तो उनका अलग से निकालेंगे, वो next class में continue करता हूँ, but अभी इनको लिखेंगे, इन दोनों को अच्छे से लिखो. ये सब पता है, इसके लिए z का value 1 होता है, इसके लिए z का value 6 होता है, इसमें हमें पता है. Okay, तो next class इसको अच्छे से लिखो, फिर next class हम continue करते हैं. इसके लिए radius equals to a by 2, for that one is radius equals to a by 2. Thank you.